नमस्कार, आप देख रहे हैं द फैक्ट इंडिया और मैं हूं आपके साथ डिंपल शर्मा। पूरा देश जहां इस वक्त संकट के इस मुश्किल दौर से गुजरा है, वहीं हांसी में लॉकडाउन के बीच भाटला गांव में एक इंसानियत को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है, जहां 90 वर्षीय बुजुर्ग महिला को बहू व पोते से पीट कर घर से निकाल दिया। रोती हुई बुजुर्ग महिला घंटों तक गली में पड़ी रही तो ग्रामीणों ने उसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया, जिसके बाद एसपी के संज्ञान में मामला पहुंचा और पुलिस ने एक्शन लेते हुए अपनी बुजुर्ग सास के साथ मारपीट कर उसे घर से निकालने वाली महिला के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। दरअसल जानकारी के अनुसार भाटला गाँव निवासी 90 वर्षीय रजनी देवी के दो बेटे हैं, जिनमें एक का देहांत हो चुका है, एक दिल्ली में रहता है जो रेलवे से रिटायर्ड है। बुजुर्ग महिला गांव में ही अपनी बड़ी बहू के पास रहती है। आरोप है कि बुजुर्ग महिला के साथ कई बार मारपीट की जाती है। मंगलवार को उस समय अत्याचार की हद हो गई जब लॉकडाउन के बीच बुजुर्ग महिला को पूरी तरह पीट कर उसकी चारपाई व कपड़ों से भरे बैग के साथ घर से निकाल दिया गया। बुजुर्ग महिला घंटों तक रोते बिलखते हुए गली में पड़ी रही। आखिर कुछ ग्रामीण युवक आगे आए और बुजुर्ग की वीडियो इंटरनेट मीडिया पर वायरल कर दी। वीडियो पुलिस के जहन में पहुंचते ही एसपी ने मामले में कार्रवाई करने के निर्देश दिए, जिसके बाद भाटला चौकी से पुलिस मौके पर पहुंची और बुजुर्ग महिला के बड़े बेटे को तलब किया गया। भाटला चौकी इंचार्ज रामनिवास ने बताया कि फिलहाल बुजुर्ग महिला बड़े बेटे के पास है और आरोपित महिला संतरा व उसके बेटे रिंगू के खिलाफ आईपीएस की धारा 323, 506, 34 के तहत एफआईआर दर्ज कर ली गई है। खैर, इस मुश्किल दौर में जहां देश इस समय संकट के इस बुरे दौर से गुजर रहा है, बुजुर्ग महिला के साथ ज्यादती की ये तस्वीर इंसानियत को काफी शर्मसार करने वाली है। नमस्कार।